देखो जी, बहुत देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्योंकि हम सब सत्संगी जीव हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सत्संगी को अपने जीवन में सहजता लेके आनी चाहिए। वो जल्दबाजी वाला रास्ता छोड़ दे, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो कोई घर का काम हो, चाहे वो कोई बाहर का काम हो, चाहे वो सत्संग का ही काम क्यों ना हो, भजन भक्ति का ही काम क्यों ना हो, कभी भी कभी भी जल्दबाजी के जल्दबाजी पीछे के नहीं पीछे भागना नहीं है। भागना है। हर चीज हर में चीज में सहजता होनी सहजता होनी चाहिए। चाहिए, सहजता सहजता होगी होगी तो तो मन मन में में एक एक ठहराव ठहराव आएगा, आएगा, आपके जीवन आपके में एक जीवन में एक ठहराव आएगा। ठहराव जब आएगा, ठहराव ठहराव आएगा आएगा तभी तभी आप आप उस उस गहराई तक गहराई पहुंच तक पहुंच पाओगे पाओगे जहां तक जहां तक संत महात्मा संत आप लोगों महात्मा को आप लोगों को पहुंचाना पहुंचाना चाहते हैं। चाहते हैं। क्योंकि याद रखना, याद रखना, चलते हुए चलते पानी हुए में पानी कभी में शक्ल कभी नहीं शक्ल दिखाई नहीं दिखाई देती, देती, वो पानी पानी ठहरेगा ठहरेगा तभी तभी आप आप उसमें अपना उसमें दर्श अपना दर्श पाओगे, पाओगे, अपनी शक्ल अपनी देख शक्ल देख पाओगे। पाओगे। इसलिए इसलिए ठहराव ठहराव बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। हर हर सत्संगी के सत्संगी जीवन के में जीवन में संयम बहुत संयम बहुत जरूरी है। जरूरी है। कोई भी कोई भी आपको आपको कुछ ऐसा कुछ बोल ऐसा दे, कोई बोल दे, गलत कोई गलत बोल दे, बोल कुछ दे, ऐसा कुछ शब्द ऐसा बोल दे शब्द जो बोल आपके दे जो दिल को आपके लग दिल को जाए, लग जाए, आप आप एकदम एकदम जवाब जवाब उसका उसका मत मत दो, दो। एकदम रिटर्न में उसको रिटर्न में कोई उसको गिफ्ट मत कोई गिफ्ट दो, मत दो, क्योंकि वो क्योंकि रिटर्न वो में दिया रिटर्न हुआ में दिया गिफ्ट हुआ गिफ्ट जहर ही जहर ही होगा। होगा अगर अगर जल्दबाजी में जल्दबाजी दोगे में तो दोगे तो वो अमृत वो नहीं हो अमृत नहीं हो सकता। सकता। इसीलिए साहिब ने इसीलिए बोला, साहिब ने बोला, आवत आवत गारी गारी एक एक है है और और पलटत पलटत होए तो हुए अनेक, अनेक, कहे कहे कबीर मत कबीर मत पलटिए, पलटिए, वो वो रही रही एक की एक। एक एक। अगर कोई अगर कोई आपको गलत आपको बोल गलत भी बोल देता भी है तो देता है उसको तो थोड़ा उसको थोड़ा सा सा सहना सहना सीखो। सीखो। किसी ने किसी आपके ने बारे आपके में कोई बारे गलत में कोई गलत अफवाह उड़ा अफवाह उड़ा दी, दी, कुछ आपको कुछ गाली आपको दे गाली दी, दे कुछ दी, बुरा कुछ भला बुरा कह भला दिया, कह दिया, कहने कहने दो। दो। शांत शांत होके, होके, सहज सहज होके होके इंतजार इंतजार करो करो सही समय सही का। समय का। जब सही जब समय सही समय आएगा आएगा तो तो अपने अपने आप ही आप नील ही शीर नील का शीर का निवेड़ा हो निवेड़ा हो जाएगा, जाएगा, अपने आप अपने ही आप ही असलियत असलियत सामने आ सामने आ जाएगी। जाएगी। किसी किसी के के कहने से कहने से आपका कुछ आपका बिगड़ कुछ नहीं बिगड़ गया, नहीं गया, आपका आपका कुछ नहीं कुछ नुकसान नहीं होने नुकसान वाला होने किसी वाला के किसी कहने के पे। अगर कहने पे। किसी ने अगर दो किसी ने बातें दो आपको बातें सुना आपको भी दी, सुना भी दी, आप शांत आप शांत रहो, रहो हफ्ते दस हफ्ते दिन के दस बाद दिन के उसे बाद खुद उसे अपनी खुद गलती अपनी गलती का का पछतावा पछतावा होगा और होगा माफी और मांगने माफी मांगने आएगा। आएगा। विश्वास करके विश्वास देखना, करके अगर देखना, आपकी अगर गलती आपकी नहीं है गलती नहीं तो है तो सहजता सहजता बहुत बहुत जरूरी है जरूरी हमारे है जीवन हमारे में। जीवन में। इन्हीं इन्हीं छोटी 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 चीजों चीजों की की वजह वजह से से लोगों लोगों को को समझ समझ में में आएगा आएगा कि कि भाई भाई ये ये आदमी आदमी सहज सहज है, है, इसको कुछ इसको कुछ प्राप्ति हो प्राप्ति रही हो है रही है, या या ये कोई ये चीज कोई चीज प्राप्त प्राप्त करने की करने की कोशिश कर कोशिश रहा कर है, रहा है, तभी ये तभी ये आलतू आलतू फालतू बातों बातों में में ध्यान ध्यान नहीं नहीं दे दे रहा रहा है, है, दे रहा है। तभी ये तभी ये दुनियादारी से दुनियादारी कट से ऑफ कट हो ऑफ रहा हो है, रहा है, तभी तभी इसको इसको कोई कोई दुनिया दुनिया भी भी कोई कोई चीज इसको चीज विचलित नहीं विचलित कर पा नहीं कर रही है, पा रही है, क्योंकि क्योंकि ये ये दुनियावी दुनियावी इस इस खेल को खेल को समझ चुका समझ है चुका है कि कुछ कि नहीं कुछ मिलने नहीं वाला मिलने इस वाला दुनिया इस से। दुनिया जितना से जितना मर्जी मर्जी जोर लगा जोर लगा लो, लो, इस इस दुनिया से दुनिया से किसी को ना किसी तो को आज ना तक तो कुछ आज तक मिला कुछ है मिला है और ना ही और ना ही मिलेगा। मिलेगा। जो जो असली असली संयम है, जो संयम है, जो असली असली ठहराव है ठहराव जीवन है में, वो जीवन में, वो आपके आपके अंदर है। अंदर है। बाहर से बाहर आज से तक आज किसी तक को किसी को संतुष्टि नहीं संतुष्टि नहीं मिली। मिली। जो जो साइकिल पे साइकिल चलता पे चलता था था उसको उसको मोटरसाइकिल मिल मोटरसाइकिल गई, मिल गई तो तो उसने सोचा शायद मुझे शायद मुझे संतुष्टि मिल संतुष्टि जाएगी, मिल जाएगी, मोटरसाइकिल से भी मोटरसाइकिल से संतुष्टि भी नहीं संतुष्टि मिली। नहीं मिली। अब आगे अब कार की आगे कार डिमांड की आ गई, डिमांड आ गई। वो कार भी कार खरीद भी ली तब खरीदी भी तब भी संतुष्टि नहीं संतुष्टि नहीं मिली, मिली। आगे आगे और और महंगी महंगी कोई कोई रेसिंग कार रेसिंग की कार डिमांड की आ गई, डिमांड आ गई, वो भी वो भी खरीद ली खरीद तब ली भी तब भी संतुष्टि नहीं संतुष्टि मिली, नहीं आगे मिली, आगे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों हवाई की जहाजों डिमांड की आ गई। डिमांड आ गई। कुछ भी कुछ कर भी लो, कर लो, संतुष्टि संतुष्टि नहीं नहीं मिलती, मिलती, संतुष्टि संतुष्टि आपके आपके अंदर अंदर है। है। जब जब अंदर की अंदर की गहराइयों में गहराइयों में जाओगे जाओगे तब तब आपको समझ आपको में समझ आएगा में कि आएगा कि असली असली संतुष्टि, संतुष्टि, असली असली सहजता सहजता आपके ही आपके ही अंदर है अंदर है और उसी और को उसी प्राप्त को प्राप्त करना करना हमारा परम हमारा लक्ष्य परम है। लक्ष्य है। अगला सवाल अगला है कि सवाल है कि सत्संगी की सत्संगी की दिनचर्या क्या दिनचर्या होनी क्या होनी चाहिए, चाहिए, यानी यानी कि कि अलग-अलग अलग-अलग जो सिस्टम बनाए सिस्टम गए बनाए हैं, गए हैं अलग-अलग अलग-अलग पंथों के पंथों द्वारा, के धर्मों द्वारा, के धर्मों के द्वारा, द्वारा,
हर बंदा उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है कि सुबह उठ के मंदिर जाए, पूजा अर्चना करे, या कहीं और जाए, मस्जिद में जाए, 5 टाइम की नमाज करे। ईसाई है तो हर संडे को चर्च में जाए, और अगर सिख हैं तो जाके गुरुद्वारे में गुरबाणी पढ़ें, हर इतवार को गुरुद्वारे जाएं। तो सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये सवाल पूछा गया था। देखो जी, सत्संगी पहली बात ये है, जो सत्संगी होता है वो इन सब क्लासों को पढ़ के पार कर चुका होता है कि मंदिर में क्या बताया जा रहा है, कि गुरुद्वारे में क्या बताया जा रहा है, कि हमें चर्च में क्या सुनाया जा रहा है, हमें कुरान में क्या बताया जा रहा है, मस्जिद में क्या बताया जा रहा है। जो सत्संगी होता है उसका कोई एग्जैक्ट धर्म नहीं होता, वो किसी धर्म के बंधनों में नहीं होता, वो सत्य का खोजी होता है, वो हर धर्म को गहराई से समझ चुका होता है, वो जान चुका होता है कि हर धर्म में क्या बताया जा रहा है, और जो चीज बताई जा रही है धर्म में उसकी खोज करने के लिए वो उन स्कूलों से, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ये एक स्कूल है, ये एक शिक्षा का विद्यालय है, मान के चलो जो विद्यालय में आपको जो चीजें बताई गई हैं वो आपको प्राप्ति बाहर से होगी, यानी नौकरी आपको स्कूल से बाहर करनी पड़ेगी, कमाई तभी होगी। स्कूलों में आपने सीखा और वही जो कुछ सीखा उससे हमने बाहर जाके नौकरियां प्राप्त करी, उसी से हमें कमाई हुई। इसी प्रकार मंदिरों में क्या बताया गया, मस्जिदों में क्या बताया गया, गुरुद्वारों में क्या बताया गया, चर्च में क्या बताया गया, वो सब हमने ग्रहण किया और फिर उसी वस्तु को ढूंढने के लिए हम गुरु की शरण में गए, हम कामिल मुर्शिद की शरण में गए। उन्होंने हमें वो चीज बताई जो हमारे ग्रंथों में गुप्त रूप से छुपी हुई थी, उन्होंने उसको उजागर कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारा दिनचर्या है, सबसे पहले हमें सत्य को याद करना चाहिए, सत्य को। जैसे ही सबसे पहले हम उठते हैं, हमें सबसे पहले परमात्मा के आगे सर झुकाना चाहिए। आप साहिब बंदगी कह लो, आप सत साहिब कह लो, आप जय बंदी छोड़ कह लो, परमपिता परमात्मा कह लो, जय शब्द गुरु कह लो, हे मेरे मालिक कह लो, उसको किसी भी नाम से याद करो, सबसे पहला काम। उसके बाद अगर नाम मिला है, आपको बख्शिश हो चुकी है, फिर तो आप भजन करो, भक्ति करो, सिमरण करो, अपना समय दो परमात्मा को याद करो। या तो 24 घंटे करना होता है, लेकिन स्थिरता भी एक चीज होती है। जैसे आप खाना खड़े होकर भी खाते हो, बैठ के खा सकते हो, चलते हुए भी खा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा बताया गया है बैठ के खाना, जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप बैठ के उसको याद करो, मालिक को, जिनको नाम मिला है। जिनको नहीं मिला है वो क्या करें, वो भी परमात्मा को याद करें, लेकिन केवल अपने मन से, कोई ध्यान विधि ना करें, कोई ऐसा प्रयोग ना करें अपने शरीर के साथ कि मैं यहां ध्यान लगा लूं, मैं वहां ध्यान लगा लूं, कोई लाइट देखने लग जाऊं, कोई प्रकाश देखने लग जाऊं, ऐसा बिल्कुल ना करें। और उसके बाद अपनी दिनचर्या में सत्य को शामिल करें, जहां तक हो सके सच का साथ दें। सच के साथ देने से ही आप में सहजता आने लग जाएगी और अपने मन को दुनिया की दौड़ भाग से थोड़ा सा बचाएं। काम करते रहें, दुनिया के काम करने हैं, पैसे तभी आएंगे, लेकिन अपने मन को विस्तार करने से, जो ये आगे से आगे भागता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। करते 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 धीरे धीरे ये अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाए।